गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और संडे का दिन है और सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। गर्मी तो भरपूर है, देखो पसीने से तर बतर हूं, लेकिन फिर भी अपने काम में लगी हुई हूं, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी है। घर वालों को खुश रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। आज संडे है और कृति का आज हैप्पी बर्थडे भी है। कृति को बर्थडे विश कर दो। और आज हर्षित के पापा भी घर हैं और मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं, चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। आप तैयार हो? हमें भूख लग रही है, तैयार नहीं है। मैं नया नाश्ता खाने के लिए, देखते हैं कैसा है। आज मैंने एक स्पेशल नाश्ता बनाया है, मैंने खुद यूट्यूब पे देखा था, अगर अच्छा बनेगा तो इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आज कृति का बर्थडे है तो उसकी मनपसंद सब चीज़ें बनाऊंगी। और ये ना, मैंने YouTube पे इसकी रेसिपी देखी थी और फिर मैंने आज ट्राई करी है। अगर अच्छी बनेगी, मेरे घर को, घर वालों को और मुझे पसंद आएगी, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लॉलीपॉप कैसे बने? अच्छे बने, चल खा लो। बहुत टेस्टी बना है और अगली बार बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी यूट्यूब पे बिल्कुल शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। और इसको तो आप जानते ही हो, ये कृति की बेस्ट फ्रेंड है अंशिका। अच्छा, और हम सब ने नाश्ता किया है और हर्षित के पापा घर थे तो हम निकल गए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। बहुत तेज धूप है, धूप कितनी तेज है। तो यहाँ खूब सारी अटैची भी देखी और मैंने सोचा कि कृति भी अगले महीने जाएगी तो उसे भी अटैची की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उसने मना कर लेनी तो है ही है, तो अपनी पसंद की ले लेगी तो ज़्यादा। अभी अगले महीने देख लेंगे। चलो फिर। इसमें ना टेढ़ा भी है और ये होल है, ये होल है, ऐसा लग रहा है जैसे घुन लगा हुआ है, और एक ही है बस। ये ले ले दादी को, दे दे, ये नहीं दादी खा लेती है, ये ले ले। मैरी बिस्किट, ये कौन से? चलो बहुत सारे बिस्किट हो गए। और यहाँ से मैं अपने पूरे महीने की जो भी मुझे ज़रूरत का सामान रहता है ना, इकट्ठा ले आती हूँ, ताकि मुझे हर रोज जाने बाजार जाने की दिक्कत ना हो। और यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है और मैंने सोचा मैं भी मेहंदी लगवा लूँ। देखो कितनी सुंदर लगा रहे हैं। और यहाँ पर ना, यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई थी, मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई प्रोग्राम है जो आप मेहंदी लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सावन का महीना आने वाला है और इसीलिए हम यहाँ मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई नेकी और टेल टेल मेरे भी लगा दो। एक हाथ में मैंने भी मेहंदी लगवाई है यहाँ पे और बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों पे लगा, बोलने में टाइम तो सर आगे हो गया, लोग देखते हैं पीछे, बहुत पहले दिखेगी, ये थोड़ी दिखेगी। मेरे तो हाथ में मेहंदी लगी है ना, मैं कोई काम नहीं करूँगी। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना, मैं नहीं कोई काम कर पाऊंगी। मैं करती कब हूँ? मैं हमेशा करती हूँ। आज तुम लोग कर लो, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, धूप बहुत तेज है। आज शॉपिंग मॉल में ना मेहंदी फ्री में लगा रहे थे, तो मैंने कहा भाई
मुझे भी लगा दो, सावन आने वाला है। एक्चुअली कल से ही सावन है और सावन के उपलक्ष्य में ही हर संडे को ये लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मैंने भी लगवा ली। अच्छी लग रही है ना? ये लोग पीछे पड़ गए, जल्दी करो जल्दी करो, वरना मैं यहाँ पे भी और लगवाती हूँ। कुछ खाना है तुम लोगों को? कृति बाके बिहारी पे कुछ खाना है या कहीं कुछ खाना है तो चलो। और आज कृति का बर्थडे भी है और उसके साथ हमारी शॉपिंग भी हो गई और अब जा रहे हैं कहीं और घूमने, देखते हैं कहीं कुछ खाते हैं या पैक करवा के घर लेके आते हैं। मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी। देखो बहुत सारी चीजें मंगा ली हैं, अब जिसका जो मन करे बीच में रख देना, सब सब चाइनीज। तेरा बर्थडे आया तो तेरा बर्थडे आया लगो। और ये दोनों अभी डिसाइड ही कर रही हैं कि और क्या मंगवाएं। उससे पहले ही हमारा खाना यहाँ आ चुका है, हमने टमाटो सूप मंगवाया है, इडली सांभर मंगवाया है, उत्पम भी मंगवाया है और बस टेस्ट कर रही हूँ, और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी भी मंगवाई है और बहुत टेस्टी थी। और बच्चों का ना ये दिन स्पेशल होता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ये और स्पेशल दिन बने। ऑर्डर आना ही वाला था, ये घर में मम्मी और विक्की आ गए कृति को बर्थडे विश करने के लिए, तो फटाफट मैंने सब पैक करवा लिया, अब घर जाके आराम से बैठ के खाऊंगा लस्सी पी के चलती हूँ। कैसा है? फटाफट खा लो। ये नहीं, ये खाएगी, ये सब खाओगे, ये या और वो क्या होता है, मेरे को भी टेस्ट करा दो थोड़ा सा। बस 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 तुम लोग लो। राम राम। तुमने सुबह बोला भी नहीं क्या हो गए? बस दोपहर में नुआ के आ गया। फोन ले आओ यार। चलो दे दे। तुझे रख। चाय बनाऊं? हाँ मैं तेरे वो खाना लेके आई हूँ, पहले वो खा लो। पहले चला दो। है ना? वो डाल दे तू। मैं बेस्ट प्राइस में वो कल सावन शुरू हो रहा है ना, तो वो महंगी लगा के बैठे हैं। मैं कल बता दे मेरे दोबू मिल गए। और यहाँ मैं खाना ना पैक करवा के लेके आई थी और मम्मी है, मेरा भाई है और हम सब ने मिलके यहाँ पे अच्छे से लंच किया है। और क्योंकि अभी कृति का बर्थडे मनाना बाकी है, हर्षित के पापा को ड्यूटी जाना है, उससे पहले पहले हम लोग केक काट लेंगे। हर्षित को भी वीडियो कॉल पे लिया, उसकी बुआ को वीडियो कॉल पे लिया और फिर हमने केक काटा है और दादी नानी का आशीर्वाद मिल गया है, और क्या चाहिए। बन ही रहा है ब्लॉग, तू आ रहा है ब्लॉग में। कपड़े पाए हैं तूने ढंग से कि नहीं? ला दिखा दूँ। और ये काना था, काना से बात हो रही थी और वो कह रहा था मामी मुझे भी व्लॉग में ले लेना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और हर्षित ने देखो कितनी दूर से कृति के लिए गिफ्ट भेजा है और गिफ्ट में बहुत ही क्यूट छोटा सा केक भेजा है उसने। तभी हर्षित बार बार यही बोल रहा था, मम्मी दो मिनट रुक जाओ, अभी दो मिनट रुक जाओ, तो हम रुके रहे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
और कृति का केक कट चुका है और सब ने उसको भर भर के आशीर्वाद दिए हैं। और ये देखो मेरी मेहंदी अच्छी लगी है, पर अभी रची नहीं है क्योंकि जल्दी उतार दी मैंने। हर्षित पे पापा तैयार हो गए हैं, उन्हें ड्यूटी जाना है, तो मैंने फटाफट उनके लिए दो परोंठी पैक कर दी है टिफ़िन में और चाय भी बना के पिला दी है। वो कृति के बर्थडे के लिए ही स्पेशल आए थे और अब वो ड्यूटी जा रहे हैं वापस। कृति का जन्मदिन खत्म हुआ यहीं पे। पूरा दिन हम लोगों ने कृति का जन्मदिन मनाया है। हाँ शायद मम्मी बुला रही है बगल से। और पूरा दिन आज थक भी गए और कृति के पापा गए ड्यूटी और बर्थडे हुआ खत्म। आज कृति का जन्मदिन खत्म होता है और मेहंदी देखो कितनी अच्छी लगी है ना। पीछे वाली में ज्यादा रंगत नहीं आई है ना, आगे वाली थोड़ी सी फिर भी है, कल देखूंगी कल इसमें कलर आ जाएगा। चलो अब मैं भी यही व्लॉग एंड करती हूँ और कृति को अपनी ब्लेसिंग जरूर देना, उसको बर्थडे विश करना और अपना आशीर्वाद जरूर देना। उन्नति करे, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो। तो अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।